हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दैट एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने रजिस्टर एंड लॉगिन पेज कम्प्लीटली क्रिएट किए थे, फायरबेस के साथ भी कनेक्शन किए थे। ओके, तो इस वीडियो में हम होम पेज क्रिएट करने वाले हैं क्विज एप्लीकेशन का। तो हम होम पेज एक्टिविटी मेन डॉट एग्जामिन में क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एक्टिविटी मेन डॉट एग्जामिन में, एंड जो स्प्लिट का ऑप्शन होता है यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। ये होने के बाद आपको ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है इसको चेंज करना होगा स्क्रोल व्यू से, क्योंकि यहाँ पर होम पेज रहेगा। तो जैसे यहाँ पे रहेगा सी, सी प्लस प्लस, जावा, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन रहेंगे 6। ओके, तो इसलिए हम स्क्रोल व्यू यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज कर देता हूँ स्क्रोल व्यू से। एंड यहाँ से भी आपको चेंज कर देना है स्क्रोल व्यू। ये होने के बाद आपको टेक्स्ट व्यू को सबसे पहले रिमूव कर देना है। तो मैं रिमूव कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू को। एंड यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप को एंटर कर देता हूँ 70 dpi। तो ये होने के बाद आपको बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बैकग्राउंड वाइट। व्हाइट हमें क्या कलर चूज करना होता है, एट द रेट कलर व्हाइट, या फिर आप हैश ट्रिबल एफ भी दे सकते हो, बट ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट व्हाइट डिफाइन होता है इसलिए हमने बैकग्राउंड चूज कर लिया। ओके, तो ये होने के बाद आपको सबसे पहले नीचे आ जाना है मेन एक्टिविटी के नीचे, एंड यहाँ पे कंस्टेंट लेआउट का यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एंटर कर देता हूँ कंस्टेंट लेआउट। तो आपको कैपिटल सी का यूज करना है, जैसे सी एंटर करोगे तो आप देख सकते हो खुद ब खुद कंस्ट्रेंट लेआउट आ चुका है। ये होने के बाद आपको इसकी विड्थ एंड हाइट डिफाइन कर देनी है मैच पैरेंट एंड बैकग्राउंड भी आपको सिलेक्ट करना होगा। बैकग्राउंड आपको सिलेक्ट करना है व्हाइट कलर, एट द रेट कलर व्हाइट, एंड इसको आपको क्लोज करना होगा कंस्ट्रेंट लेआउट को। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट क्रिएट हो चुका है। ये होने के बाद आपको इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर में एक टेक्स्ट व्यू का यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को क्रिएट कर लेता हूँ, टेक्स्ट व्यू। तो इसको सबसे पहले आपको रिमूव करना होगा टेक्स्ट व्यू को। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू को। इसकी व्यू 0 dpi एंटर करना होगा आपको, एंड हाइट आपको एंटर करना होगा रैप कंटेंट। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ रैप कंटेंट। तो यहाँ पे खुद ब खुद नहीं आ रहा, तो अभी आ चुका है रैप कंटेंट। ओके, ये होने के बाद आपको इस टेक्स्ट व्यू की आईडी डिफाइन कर देनी होगी। तो मैं आईडी में इसका नेम दे देता हूँ टेक्स्ट व्यू, @ID टेक्स्ट व्यू। तो अभी मैं एंटर कर देता हूँ ये होने के बाद, एंड इसके नीचे हम सबसे पहले तो टेक्स्ट लेंगे। ओके, तो टेक्स्ट में हम कोडिंग करके पास कर देंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे दो टेक्स्ट व्यू का यूज करने वाले हैं। ओके, एक कोडिंग के नेम से, एंड एक अगेन एक टेक्स्ट व्यू लेंगे जिसमें हम लिखेंगे स्टार्ट अ न्यू जर्नी करके। ओके, तो सबसे पहले हम कोडिंग का वर्क कर लेते हैं, जो भी हमारा ये हेडिंग है कोडिंग का। तो इसको सबसे पहले आपको मार्जिन स्टार्ट एंड मार्जिन लेफ्ट दे देनी है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ कोडिंग के नीचे, एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे मार्जिन स्टार्ट। मार्जिन स्टार्ट आपको पास कर देनी है 16 dpi, एंड मार्जिन लेफ्ट आपको दे देनी है 16 dpi। ओके, तो एरर शो हो रहा है, मैं पास कर देता हूँ मार्जिन लेफ्ट। इसको भी आपको 16 dpi ही यूज करना है। ये होने के बाद आपको मार्जिन टॉप यूज करना होगा। ओके, तो मार्जिन टॉप आपको 24 dpi यूज करना है। मैं अभी इसके टेक्स्ट साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, काफी स्मॉल है। टेक्स्ट साइज हम थोड़ा बड़ा रखेंगे, मीन्स 30 sp ये हेडिंग रहेगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूँ। ओके, ये होने के बाद आपको इसको एंटर कर देना है, एंड इसका फॉन्ट भी मैं चेंज कर लेता हूँ क्योंकि प्रॉपर फॉन्ट नहीं दिख रहा है एज ए हेडर। तो फॉन्ट फैमिली में जो हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में इस LI फॉन्ट को पेस्ट किए थे उसी को यूज करेंगे।
ये होने के बाद आपको स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ का भी यूज करना होगा, तो मैं यूज कर लेता हूँ स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ। यहाँ पे आपको पास कर देना है पेरेंट, ये होने के बाद आपको एंटर करना है एंड यहाँ से आपको यूज करना होगा एंड टू स्टार्ट ऑफ, एंड टू स्टार्ट ऑफ। इसमें आपको इमेज व्यू का यूज करना होगा, तो एक काम कर देते हैं, हम इसको रहने देते हैं जैसे के वैसे, ओके। तो इसको हम बाद में पास कर देंगे क्योंकि हमें इमेज व्यू के नीचे चाहिए ये, तो हम इसको बाद में पास करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे टूल बार हमारा रहेगा तो इसके नीचे हमें इसको डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ पे क्या यूज करना होगा, टॉप टू बॉटम ऑफ, टॉप टू बॉटम ऑफ, इसमें आपको टूल बार को पास कर देना है, ओके, एट द रेट आई डी टूल बार। बट एक्चुअली हमने अभी तक टूल बार को क्रिएट नहीं किया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। तो अभी के लिए यहाँ पे एरर शो होगा टूल बार के नेम से, तो हम इसको अभी रहने देते हैं। ये होने के बाद अगेन आपको एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट करना है, तो दूसरा टेक्स्ट व्यू क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले नीचे आ जाना है एंड यहाँ पे आपको एंटर करना होगा टेक्स्ट व्यू के नेम से। इसकी विड्थ आपको 0 dp दे देनी है एंड इसकी हाइट आपको रैप कंटेंट दे देनी है। ये होने के बाद जैसे हमने टेक्स्ट व्यू इसकी आईडी डिफाइन की थी, तो इसके नीचे की आईडी हम टेक्स्ट व्यू टू आईडी डिफाइन कर देंगे, टेक्स्ट व्यू बस यहाँ पे टू इम्प्लीमेंट करना। ये होने के बाद मार्जिन स्टार्ट एंड मार्जिन लेफ्ट भी यूज करना होगा, जैसे हमने यहाँ पे यूज किए थे 16 dp 16 dp, सेम आपको यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको मैं जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ एंड टेक्स्ट आपको प्रोवाइड करना है, तो टेक्स्ट में यहाँ पे थोड़ी बड़ी हेडिंग रहेगी स्टार्ट एंड न्यू जर्नी करके, जैसे कि मैंने जब भी बताया था स्टार्ट अ न्यू जर्नी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है स्टार्ट अ न्यू जर्नी करके, तो यहाँ पे अभी आपको यूज करना होगा स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, सेम जो हमने ऊपर में यूज किए थे। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर इसमें आ चुका है, इसके नीचे चाहिए। तो इसका क्या होता है हमारा लेआउट, टॉप टू बॉटम ऑफ, टॉप टू बॉटम ऑफ हमें पास करना होगा, टॉप टू बॉटम ऑफ इसके नीचे चाहिए, इस टेक्स्ट व्यू के नीचे। तो इसकी आईडी आपको पास कर देनी है, तो जैसे आप पास करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू जर्नी करके आ चुका है। अभी हमारा यहाँ का भी वर्क हो चुका है। ये होने के बाद आपको एक इमेज व्यू का यूज करना है, यहाँ पे एक हमारी इमेज व्यू रहेगी, तो चलिए मैं जल्दी से यूज कर लेता हूँ इसको यहाँ पे इमेज व्यू का। तो यहाँ पे आपको पास करना होगा इमेज व्यू, इसमें आपको वेट 0 dp एंड इसकी हाइट हम 160 dp दे देंगे, थोड़ा बेटर रहेगा 160 dp। इसकी आईडी आपको डिफाइन कर देनी है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज व्यू शो हो रहा है, ठीक है। तो इसकी आपको आईडी डिफाइन करनी होगी, आईडी में सिंपल एकदम इमेज व्यू करके नेम में दे देता हूँ इमेज व्यू। ये होने के बाद आपको मार्जिन एंड एंड मार्जिन राइट भी देनी होगी, मैं सबसे पहले मार्जिन एंड का यूज कर लेता हूँ, मार्जिन एंड 16 dp एंड मार्जिन राइट 16 dp। ये होने के बाद आपको क्या करना है, एंटर कर देना है, एंड टू एंड ऑफ का यूज करना होगा आपको, जैसे हम ऊपर में यूज करते थे स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, बट हमारी इमेज भी यहाँ पे रहेगी इसलिए हम किसका यूज करेंगे, एंड टू एंड ऑफ का। यहाँ पे आपको पैरेंट का यूज करना होगा एंड टू एंड ऑफ में। ये होने के बाद आपको स्टार्ट टू एंड ऑफ यूज करना होगा, स्टार्ट टू एंड ऑफ इसके स्टार्ट टू एंड ऑफ चाहिए, तो ये जो हमारा टेक्स्ट व्यू है इसके यहाँ पे चाहिए, तो इसलिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट व्यू को, ओके। ये होने के बाद आपको जो भी सोर्स रहेगा उसको पास कर देना है, मीन जो इमेज रहेगी उसको पास कर देना है। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा कोडिंग के नेम से इमेज, तो उसको जस्ट आपको कॉपी एंड पेस्ट करना होगा।
तो मैं सबसे पहले फोल्डर में आ जाता हूँ जहाँ पे मैंने इसको सेव किया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से, एंड यहाँ पे मैं ड्रॉबर में इसको पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी। ओके, एंड इसका नेम आपको कोडिंग ही रहने देना है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ एट द रेट ड्रॉबर कोडिंग के नेम से। ओके तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज आ चुकी है, अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है, बट थोड़ा वर्क बाकी है हमारा टेक्स्ट में हमें डिफाइन करनी होगी एंड टू स्टार्ट ऑफ, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया स्टार्ट टू एंड ऑफ, तो सेम यहाँ पे हमें डिफाइन करना होगा एंड टू स्टार्ट ऑफ, एंड टू स्टार्ट ऑफ। तो इसमें आपको डिफाइन कर देना है इमेज यू की आईडी एट द रेट इमेज यू। सेम आपको इस टेक्स्ट व्यू के नीचे में भी सेम आपको एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा एन टू स्टार्ट ऑफ इमेज व्यू, तो इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ इस टेक्स्ट व्यू में। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है, तो अभी हमें आ जाना है इमेज व्यू के नीचे एंड एक लीनियर लेआउट हमें क्रिएट करना होगा। तो हम आ जाते हैं इमेज व्यू के नीचे एंड यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ लीनियर लेआउट। लेनियर लेआउट की विड्थ एंड हाइट हमें डिफाइन करनी होगी 0 dp एंड हाइट हमें देना होगा मिनिमम 175 dp। ये होने के बाद आपको आईडी डिफाइन कर देनी है इसकी, तो आईडी हम डिफाइन करेंगे लीनियर लेआउट के नेम से आईडी एट द रेट आईडी लीनियर लेआउट। ये होने के बाद आपको ओरिएंटेशन इसकी सिलेक्ट करनी होगी, तो जो भी हमारे कार्ड व्यू रहेगा वो हॉरिजॉन्टली डिक्लेयर होगा, इसलिए हम ओरिएंटेशन इसकी प्रोवाइड कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। ये होने के बाद आपको पैडिंग दे देनी है, सभी तरफ से थोड़ी स्पेस आनी चाहिए, इसलिए हम पैडिंग का यूज करेंगे 10 dp एंड हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड टू एंड ऑफ, तो एंड टू एंड ऑफ में आपको पैरेंट का यूज करना होगा। यहाँ पे हम यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल बायस का, लेआउट कंस्ट्रेंट हॉरिजॉन्टल बायस, इसमें हम पास कर देंगे 0.0। अभी हम यूज करेंगे भी स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ, इसमें आपको पास कर देना है पैरेंट, इसके बाद आपको एंटर करना है एंड अभी हम यूज करेंगे टॉप टू बॉटम ऑफ। ये जो हमारा लीनियर लेआउट रहेगा वो किसके नीचे रहेगा, हमारा रहेगा इस इमेज व्यू के नीचे। ओके तो इसमें मैं इमेज व्यू की आईडी पास कर देता हूँ इमेज व्यू के नेम से एंड आपको इस लीनियर लेआउट को क्लोज करना होगा। एंड अभी हमें इस लीनियर लेआउट के अंदर में एक कार्ड व्यू का यूज करना होगा, तो मैं जल्दी से इसके अंदर कार्ड व्यू को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे लीनियर लेआउट क्रिएट हो चुके हैं, तो ऐसे हमें तीन लीनियर लेआउट क्रिएट करना है, यहाँ पे दूसरा रहेगा यहाँ पे तीसरा रहेगा। ओके तो इस लीनियर लेआउट के अंदर में हमारा एक कार्ड व्यू रहेगा इतना एंड दूसरा एक कार्ड व्यू रहेगा इतना एंड इसके अंदर में एक इमेज रहेगी एंड इसके अंदर में एक टेक्स्ट व्यू रहेगा। ओके तो चलिए जल्दी जल्दी मैं कार्ड व्यू को क्रिएट कर लेता हूँ कार्ड व्यू, एंड कार्ड व्यू की विड्थ रहेगी 0 dp एंड हाइट रहेगी जितनी हम प्रोवाइड करेंगे मीन्स मैच पैरेंट कंप्लीटली इसमें। ओके मैच पैरेंट, ये होने के बाद आपको लेआउट मार्जिन दे देनी है सभी तरफ से, तो लेआउट मार्जिन मैं दे देता हूँ 10 dp। ये होने के बाद आपको एंटर करना है एंड हमें यूज करना है लेआउट वेट, तो लेआउट वेट में मैं प्रोवाइड कर देता हूँ 1 तो अभी हमारा कम्प्लीटली कार्ड व्यू का वर्क हो चुका है, तो अभी हमें कार्ड व्यू के अंदर में रिलेटिव लेआउट यूज करना होगा, तो रिलेटिव लेआउट का यूज कर लेता हूँ मैं। इसकी विड्थ एंड हाइट यूज करेंगे हम मैच पैरेंट, मैच पैरेंट एंड इस लीनियर लेआउट को हम क्लोज कर देंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमने कार्ड व्यू के अंदर में रिलेटिव लेआउट यूज कर लिया, इसके अंदर में एक टेक्स्ट व्यू का यूज करेंगे हम एंड इसके ऊपर में इमेज व्यू का। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट व्यू का यूज कर लेते हैं, बट हम एक काम कर लेते हैं जो कार्ड व्यू है उसको ऑन क्लिक यूज कर लेंगे, तो ऑन क्लिक में इम्प्लीमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। ऑन क्लिक में आपको कैपिटल सी पास कर देना है। ओके तो
तो अभी हम आ जाएंगे रिलेटिव रिलेटिव लेआउट के अंदर में, एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे टेक्स्ट व्यू। तो टेक्स्ट व्यू के आपको विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड कर देनी है, रैप कंटेंट। रैप कंटेंट मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, एंड इसकी आईडी आपको डिफाइन करनी होगी, टेक्स्ट व्यू 3 आईडी @ID। इसका नेम हम दे देंगे टेक्स्ट व्यू 3। एक्चुअली देखो टेक्स्ट व्यू 2 ऑलरेडी हमने क्रिएट किए थे, आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू 2 ऑलरेडी क्रिएट किए थे। ओके, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट व्यू 3 आईडी डिफाइन कर दी है। ये होने के बाद आपको सेंटर हॉरिजॉन्टल का यूज करना होगा, तो सेंटर हॉरिजॉन्टल में पास कर देता हूँ ट्रू, एंड लेआउट मार्जिन का आपको यूज करना होगा, तो लेआउट मार्जिन सभी तरफ से स्पेस आ जाएगी, तो लेआउट मार्जिन आपको क्या डिफाइन करनी होगी, 10 dp। एंड आपको टेक्स्ट भी प्रोवाइड कर देना है सी के नेम से, तो मैं टेक्स्ट एंटर कर देता हूँ कैपिटल सी। टेक्स्ट साइज आपको इंक्रीज कर देना है 24 sp के नेम से। फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट करना होगा आपको, फॉन्ट फैमिली आपको दे देना है li, ये जो रहेगा यहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में सिलेक्ट किए थे @ फॉन्ट फैमिली li। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वो हो रहा है, बट यहाँ पे हमारा जो सी चाहिए वो यहाँ पे चाहिए। ओके, तो ये रहेगा लेआउट बिलो इमेज व्यू के नीचे, मीन्स जो भी हमारी इमेज रहेगी तो इसकी हम आईडी डिफाइन कर देंगे बॉस के नेम से। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, हम इसको सबसे पहले टेक्स्ट व्यू को क्लोज कर देंगे, एंड सबसे पहले हम इमेज व्यू को क्रिएट कर लेते हैं, फिर लेआउट बिलो हम यूज कर लेंगे इमेज व्यू। तो इमेज व्यू की विड्थ एंड हाइट आपको डिफाइन करनी होगी 75 dp 75 dp। तो मैं दे देता हूँ जल्दी जल्दी इसकी विड्थ एंड हाइट 75 dp एंड 75 dp। ये होने के बाद आपको एंटर कर देना है, सेंटर हॉरिजॉन्टल आपको यूज करना होगा यहाँ से, जिसमें आपको पास करना होगा ट्रू के नेम से। अभी मैं दे देता हूँ मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप आपको दे देनी है 15 dp, एंड आपको यहाँ से सोर्स का यूज करना होगा। तो सोर्स हम क्या यूज करेंगे, जो सी लैंग्वेज रहेगी उसका यूज करेंगे। तो एक काम कर देता हूँ मैं, जितने भी है जैसे सी सी प्लस प्लस यहाँ पे जितने भी दिखाई दे रहे हैं मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये सभी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, बस आपको वहां से कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमें 6 कार्ड व्यू क्रिएट कर रही है, इसलिए मैं 6 इमेजेस को कॉपी कर लेता हूँ, रॉबल में चला जाता हूँ, एंड ये जितने भी कॉपी किए हमने यहाँ पे मैं ओके क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो कम्प्लीटली यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो यहाँ से अभी मैं सी के नेम से जो है हमारे वो तो उसको हम पास कर देंगे @ रॉबल सी लैंग्वेज, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है, एंड यहाँ पे हमारी इमेज भी शो हो रही है। तो अभी हमारा इमेज व्यू का तो वर्क हो चुका है, बट हमारा टेक्स्ट व्यू अच्छे से शो नहीं हो रहा है, ऊपर में यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ लेआउट बिलो। तो हमारा लेआउट बिलो किसके नीचे रहेगा, हमारा रहेगा इमेज व्यू के नीचे @ बस। तो एक्चुअली हमने इसकी आईडी डिफाइन नहीं की है, तो मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ आईडी @ID बस। ओके, एंड यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ सेम आईडी @ID बस के नेम से, ये जो आपको दिखाई दे रही है बी। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो जैसे मैंने बस पास कर दिया यहाँ पे हमारी जो टेक्स्ट भी है प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुका है। तो अभी हमारा इसका कम्प्लीटली वर्क हो चुका है, हमने यहाँ पे इमेज व्यू एंड टेक्स्ट व्यू को इम्प्लीमेंट अच्छे से कर दिए। अभी हमें क्या करना होगा, एक सी प्लस के नेम से अगेन कार्ड व्यू क्रिएट करना होगा। मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे एक कार्ड व्यू क्रिएट किया, ओके, जिसमें हमने क्या यूज किया सी,
बट यहाँ पे क्या रहेगा, सी प्लस प्लस के नेम से सेम यहाँ पे रिलेटिव लेआउट रहेगा, टेक्स्ट व्यू रहेगा एंड इमेज व्यू रहेगा। तो चलिए जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं इसको, हम आ जाते हैं इस कार्ड व्यू के बाहर। तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ जल्दी जल्दी एंड यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कार्ड व्यू। तो कार्ड व्यू में आपको विड्थ एंड हाइट दे देनी है, तो विड्थ आपको दे देनी है 0 dp एंड हाइट आपको प्रोवाइड कर देनी है मैच पैरेंट। ये होने के बाद आपको ऑन क्लिक यूज करना होगा यहाँ पे, तो ऑन क्लिक में यूज कर लेता हूँ जल्दी से। ऑन क्लिक में जैसे हमने ऊपर में सी लिखा था तो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे सी प्लस के नेम से, ओके। एंड जैसे ऊपर में लेआउट मार्जिन सभी को दी थी 10 dp, तो यहाँ पे हमें देना होगा लेआउट मार्जिन 10 dp। सेम हमें यूज करना होगा लेआउट वेट, लेआउट वेट 1 यूज कर लेता हूँ मैं एंड कार्ड व्यू को मैं सबसे पहले तो क्लोज कर देता हूँ। ये होने के बाद अगेन हमें जैसे ऊपर में रिलेटिव लेआउट का यूज किए थे सेम हमें यहाँ पे भी यूज करना होगा। तो जल्दी से मैं रिलेटिव लेआउट को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसकी विड्थ एंड हाइट जैसे ऊपर में मैच पैरेंट यूज किए थे वो डिफाइन कर देना है। ये होने के बाद आपको इस रिलेटिव लेआउट को क्लोज कर देना है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड व्यू क्रिएट हो चुका है। जैसे हमने ऊपर में टेक्स्ट व्यू यूज किए थे सेम आपको यहाँ पे यूज करना होगा टेक्स्ट व्यू। तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, इसकी विड्थ एंड हाइट ऊपर में जैसे रैप कंटेंट यूज किए सेम आपको यूज करना है रैप कंटेंट। इसकी आईडी आपको डिफाइन करनी होगी, तो हमने ऊपर में यूज किए थे टेक्स्ट व्यू 3, ओके। इसको दिए थे 1, 2, इसको 3, इसको अभी 4 दे देंगे। तो मैं आईडी यहाँ पे जल्दी से डिफाइन कर लेता हूँ, आईडी @id एंड यहाँ पे हम दे देंगे टेक्स्ट व्यू 4 के नेम से। ये होने के बाद आपको सेंटर हॉरिजॉन्टल पास कर देना है, सेंटर हॉरिजॉन्टल इसमें आपको पास कर देना है ट्रू। मार्जिन टॉप भी आपको यूज करना होगा, मार्जिन टॉप में आपको यूज करना होगा 10 dp एंड टेक्स्ट में आपको प्रोवाइड करना होगा सी प्लस के नेम से। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कैपिटल सी प्लस प्लस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा है, बस यहाँ पे काफी स्मॉल शो हो रहा है तो इसलिए मैं इसके टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। जो हमने यूज किए थे ऊपर में 24 sp एंड फॉन्ट फैमिली ऊपर में यूज किए थे एलआई के नेम से सेम यहाँ पे भी आपको इम्प्लीमेंट कर देना। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे फॉन्ट फैमिली को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड पास कर देंगे हम जो एलआई हमने यूज किए थे, ओके। तो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है। तो मैं टेक्स्ट व्यू को क्लोज कर देता हूँ। तो अभी मैं इमेज व्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको इसकी इमेज व्यू की विड्थ एंड हाइट सिलेक्ट करनी होगी। तो इमेज व्यू की हम हाइट डिफाइन दे देंगे 75 dp। इसकी मैं आईडी भी डिफाइन कर देता हूँ। तो आईडी में हम प्रोवाइड कर देंगे इमेज व्यू 3 के नेम से। तो पहले तो आईडी @id इमेज व्यू 3, ओके। ये होने के बाद आपको क्या करना है, इस टेक्स्ट के नीचे लेआउट बिलो इमेज व्यू 3 को पास कर देना। मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ लेआउट बिलो @id इमेज व्यू 3, इसके नीचे आ जाएगी। ये होने के बाद आपको सेंटर हॉरिजॉन्टल को पास करना होगा। मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू एंड आपको मार्जिन टॉप का भी यूज करना होगा। तो मार्जिन टॉप में आपको यूज करना होगा 15 dp का एंड सोर्स का यूज करना होगा आपको। तो सोर्स में हम सी प्लस के नेम से जो इमेज होती है उसको यूज कर लेंगे @drawable। यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रही है तो हम ड्रॉबल को अच्छे से पास कर देंगे, ड्रॉबल सी प्लस यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सी प्लस के नेम से हमने यहाँ पे इमेज पेस्ट कर दी है। तो अभी यहाँ पे सी प्लस की इमेज आ चुकी है। तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली यहाँ का वर्क हो चुका है। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, इस लीनियर लेआउट को क्लोज कर देता हूँ एंड इस लीनियर लेआउट को हम कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे। तो मैं आपको समझा देता हूँ क्यों हम कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं।
तो देखो ये जो कार्ड व्यू है ये सी के लिए क्रिएट किया हमने, एंड सेकेंड हमने क्रिएट किए सी प्लस प्लस के लिए। ओके तो वैसे हमें यहाँ पे नीचे दो कार्ड व्यू क्रिएट करने हैं, जिसलिए हम लीनियर लेआउट को कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे। तो मैं इस लीनियर लेआउट को क्लोज कर लेता हूँ एंड कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से। तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो एक्चुअली शो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमें टू बॉटम ऑफ किसके नीचे चाहिए, ये जो रहेगी हमारे लीनियर लेआउट, तो इसकी तो मैं आईडी टू कर देता हूँ क्योंकि इसकी आईडी है लीनियर लेआउट, एंड किसके नीचे चाहिए तो लीनियर लेआउट के नीचे चाहिए, तो इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ इसको लीनियर लेआउट, लीनियर लेआउट के नीचे चाहिए। तो यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगी, तो देख सकते हो अभी आ चुके हैं। सेम आपको यहाँ पे करना होगा, मैं इसको अगेन कॉपी करके पेस्ट करूंगा, तो इसकी आपको लीनियर लेआउट 3 दे देंगे, एंड ये किसके नीचे रहेगी, लीनियर लेआउट 3 लीनियर लेआउट 2 के नीचे। तो यहाँ पे आपको पास करना होगा टू बॉटम ऑफ लीनियर लेआउट 2, तो आप देख सकते हो अभी अच्छे से शो हो रहा है। तो अभी हमें क्या चेंज करना होगा, एक तो इमेज चेंज करना होगा एंड टाइटल चेंज करना होता है। ओके तो एक एक में इसको क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट लीनियर लेआउट को आपको क्लोज कर देना है, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। सेकेंड लीनियर लेआउट पे हम वर्क करेंगे, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करेंगे। ओके तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आईडी चेंज कर लेंगे, यहाँ पे आपको लीनियर लेआउट को इम्प्लीमेंट करना है एंड यहाँ पे हम ऑन क्लिक में यहाँ पे पाइथन का यूज़ करेंगे क्योंकि हम पाइथन का इमेज यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ पाइथन। ये होने के बाद आपको टेक्स्ट व्यू में आ जाना है एंड इसकी आईडी चेंज करनी होगी, तो 5 हमने यूज़ कर लिए, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 6। ये होने के बाद आपको अगेन नीचे आ जाना है एंड ये सी के जगह आपको चेंज करना होगा पाइथन पाइथन, एंड आपको इसकी भी आईडी चेंज करनी होगी, बस को चेंज करना होगा बस 1 से, एंड लेआउट बिलो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा ये, तो आपको चेंज करना होगा उसको भी। ये जो लेआउट बिलो है इसको बस 1 करना होगा बस की जगह, तो ये भी एरर रिजॉल्व हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कम्प्लीटली हमारा एरर रिजॉल्व हो चुका है। बस यहाँ पे जो ड्रॉवल नेम है उसको चेंज करना होगा, तो यहाँ पे पाइथन के नेम से कोई होगा आई थिंक, तो यहाँ पे कोई भी पाइथन के नेम से नहीं दिख रहा है मुझे, पी हमें चेक करना होगा। तो हमने आई थिंक पाइथन को कॉपी ही नहीं की है, एक काम कर लेता हूँ मैं पाइथन को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से। तो हम यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे इसको एंड यहाँ पे आने के बाद ड्रॉवल में इसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी। ओके पाइथन ओके एंड यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे पाइथन के नेम से, तो जैसे हम पी वाई सर्च करेंगे तो यहाँ पाइथन का ऑप्शन आ जाएगा, आपको एंटर कर देना। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमारा सक्सेसफुल यहाँ का वर्क हो चुका है। सेम आपको आ जाना है दूसरे कार्ड व्यू में, कार्ड व्यू का सी ऑन क्लिक चेंज करना है आपको HTML के नेम से HTML। ये होने के बाद आपको चेंज करना है टेक्स्ट व्यू से, क्योंकि हमें टॉप में 6 दिए थे, तो यहाँ पे हमें करना होगा सी सॉरी टेक्स्ट व्यू 7 एंड सी प्लस प्लस की जगह आपको क्या यूज़ करना होगा HTML। तो HTML में दे देता हूँ। ये होने के बाद आपको इसकी आईडी भी चेंज करनी होगी ट्रेन के नेम से, आप कुछ भी इसकी आईडी ले सकते हो। ये होने के बाद लेआउट बिलो आपको चेंज करना होता है, इमेज यू 3 तो नहीं रखेंगे, ट्रेन के नेम से ही रख देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। तो यहाँ पे हमें HTML की इमेज भी सिलेक्ट करनी होगी, तो मैं यहाँ पे मैनुअली टाइप कर देता हूँ HTML के नेम से। जैसे हम टाइप करेंगे तो इसका भी हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। तो अभी हमारा कम्प्लीटली यहाँ का भी वर्क हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, थर्ड लीनियर लेआउट में आ जाना। सबसे पहले तो मैं इस लीनियर लेआउट को क्लोज कर लेता हूँ, जो आपको लीनियर लेआउट दिख रही है इसको मैं क्लोज करता हूँ एंड ये जो थर्ड लीनियर लेआउट है इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसकी आईडी ऑलरेडी हमने चेंज कर दी है एंड टू बॉटम ऑफ लीनियर लेआउट हमने कर लिया है। ये होने के बाद आपको सेम जैसे हमने पाइथन यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, तो यहाँ पे कोटलिन यूज़ करना होगा, तो कार्ड व्यू को मैं ओपन कर देता हूँ एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कोटलिन को कॉटलिन। ये होने के बाद आपको क्या करना है, इसकी आईडी भी चेंज करनी होगी, तो टेक्स्ट व्यू 7 हमने ऑलरेडी दिए थे, यहाँ पे यूज़ करना होगा टेक्स्ट व्यू 8 के नेम से। यहाँ पे आपको कॉटलिन का यूज़ करना होगा, यहाँ पे दे देता हूँ कॉटलिन। ये होने के बाद आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा साइकिल,
आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे साइकिल बस आईडी का यूज किया है, तो लेआउट बिलो यहाँ पे भी चेंज करना होगा, बस को चेंज करना होगा साइकिल से। ये होने के बाद आपको अगेन नीचे आ जाना है एंड ये जो इमेज दिखाई दे रही है इसको चेंज करना होगा। तो हमने इसकी नेम कॉटलिन दिया है, तो कॉटलिन के नेम से हमने ऑलरेडी पीएनजी पेस्ट कर दी है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ कॉटलिन। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कॉटलिन की इमेज आ जाएगी। तो हमारा इस कार्ड व्यू का भी वर्क हो चुका है। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, इस कार्ड व्यू को ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो नीचे हम आ जाते हैं एंड यहाँ पे सी प्लस की जगह हम क्या यूज करेंगे, अभी यहाँ पे लास्ट शी शॉप, मैं हेडिंग दे देता हूँ शी शॉप। ये होने के बाद आपको टेक्स्ट व्यू 9 का यूज करना होगा एंड यहाँ पे आपको हेडिंग दे देनी है HTML के नेम से, HTML। तो देख सकते हो जैसे कि HTML9 दे दिया हमने, टेक्स्ट भी HTML दे दिया। स्क्रॉल करना है आपको, इसकी आईडी चेंज करनी होगी, तो जैसे एरोप्लेन दे देंगे हम, क्योंकि बस एंड ट्रेन तो दे दिए, अभी बाकी एरोप्लेन कुछ भी आप दे सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तो इसके मैं आईडी भी चेंज कर लेता हूँ एरोप्लेन के नेम से, एयर नेम के नेम से। ओके, एयर देन होने के बाद आपको इमेज भी इसकी चेंज करनी होगी। तो इमेज इसके हमने हेडिंग दिए थे शी शॉप, तो आई थिंक शी शॉप के नेम से हमने ऑलरेडी पीएनजी यूज कर लिए, तो शी शॉप यहाँ पे मैं जैसे टाइप करूँगा तो खुद ब खुद पीएनजी आ जाएगी। तो जैसे कि आप दे सकते हो, बट यहाँ पे हमने इसका टेक्स्ट चेंज नहीं किया है, तो मैं चेंज कर लेता हूँ शी शॉप के नेम से, शी कैपिटल आपको यूज़ करना है शी। तो अभी हमारा कम्प्लीटली XML का पार्ट हो चुका है, जैसे कि देख सकते हो आप सी सी प्लस प्लस पाइथन HTML कॉटलिन। अभी हमें जावा पार्ट इम्प्लीमेंट करना होगा, यहाँ पे ऑन क्लिक यूज करना होगा। ओके, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे ऑन क्लिक का यूज कर लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बस आपको कार्ड व्यू पे टच करना है, तो आप देख सकते हो सभी पे हमने ऑन क्लिक का यूज कर लिया है। तो अभी मैं आ जाता हूँ फर्स्ट कार्ड व्यू में एंड यहाँ पे हम ऑन क्लिक का यूज करेंगे। तो ऑन क्लिक का यूज करने के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है सी को, राइट क्लिक करना है, सो कॉन्टेक्स्ट करना है, क्रिएट सी ए मेन एक्टिविटी। तो यहाँ पे सी के नेम से मेथड क्रिएट हो जाएगी। सेम आपको सभी में करना, जैसे सी प्लस प्लस में पहले कार्ड व्यू पे क्लिक कर देता हूँ, सी प्लस पे जो ऑन क्लिक है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, शो कॉन्टेक्स्ट एंड क्रिएट सी प्लस ए मेन एक्टिविटी। सेम आपको करना है पाइथन के लिए, तो पाइथन के लिए आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, शो कॉन्टेक्स्ट एंड क्रिएट पाइथन। ये होने के बाद आपको HTML का भी सेम यूज करना है, ऑन क्लिक में आपको HTML, शो कॉन्टेक्स्ट एंड क्रिएट HTML। तो ऐसे सभी के लिए आपको करते जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको सिलेक्ट नहीं करना है, शी शॉप को सिलेक्ट करना है, शो कॉन्टेक्स्ट एंड क्रिएट शी शॉप। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने सभी के लिए क्रिएट कर दिया है, सी सी प्लस प्लस पाइथन HTML कॉटलिन शी शॉप, सभी के लिए हमने यहाँ पे ऑन क्लिक का यूज कर लिया। ओके, तो अभी हमारा कम्प्लीटली XML का वर्क हो चुका है, एक्टिविटी मेन डॉट XML का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेविगेशन ड्रॉवर को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे 3 डॉट दिखाई देते हैं, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।